नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इंटरडेट के सुपर स्ट्रैटेजी में ये जो इंटरनेट की स्ट्रैटेजी था उसमें आपको ये समझ में आ रहा था सब कोई बहुत जन ये कमेंट कर रहे थे कि कैसे करके हम लोग को स्टॉक लेना है सर ये बताइए पहले हम लोग लेके आए थे बैंक निफ्टी जो कि बहुत ही सफल काम कर रहा है अगर आप वीडियो नहीं देखे बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स के ऊपर मैं लेके आया था स्ट्रैटेजी वीडियो अगर वो आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा प्लेलिस्ट दे के रख रहा हूँ आप हर वीडियो देखिए वहां से अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो वो चीज़ जो स्ट्रैटी के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूं और उसको मैं टेस्ट भी किया हूं मार्केट में तो वो कहीं कही ना कहीं बहुत अच्छा खड़ा उतर रहा है मार्केट में उसके बाद बहुत जिन कमेंट किया था सर आप स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाइए सर स्टॉक्स सिलेक्ट कैसे करते हैं वो भी जो बेसिक टू तो इंटरमीडिएट लेवल रहता है वो मैं दे दिया हूं मतलब अपलोड कर दिया हूं उसका टेस्टिंग भी हो गया है आज उसका रिजल्ट है तो आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग इंटरडे में स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं और वो टेस्टिंग जो किए थे वो स्ट्रैटेजी के ऊपर एक टेस्टिंग हुआ था वो टेस्टिंग में चार दिन हम लोग टेस्टिंग कर पाए थे क्योंकि पांचवा दिन मैं मेरा तबीयत अच्छा नहीं था इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया नहीं तो ये वीडियो आपको शुक्रवार को मिलने वाला था तो माफ माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले मैं शुक्रवार और शनिवार को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा तबियत बहुत Uh, बहुत अच्छा नहीं था <laughs> तो कोई बात नहीं तो आज सोमवार है आज मैं जस्टिफिकेशन रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ जो इंटरनेट में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं आज मैं फिर से एक बार बता दूंगा कि कैसे करते हैं और देन आफ्टर वर्ड मैं सेकेंड चीज़ आपको बताने वाला हूँ अब स्टॉक तो मिल जाएगा फिर ट्रेड कैसे करते हैं चार्ट में क्या देखना है ठीक है और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ऐसा वीडियो देना जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो अच्छा से आपको समझ में आए क्योंकि क्यों, अच्छा से अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे ट्रेड को ठीक है तो सेम वैसे ही बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं आपको बताया था ईजी वे में सेम आपको ये जो स्ट्रेटेजी था इंटरट्रेड में स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से आपको समझाया था तो आज उसका जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है चलिए पहले जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देख लेते हैं उसके बाद हम लोग फिर बातें करते हैं ठीक है जाने से पहले एक बार आप लोग को बोलना चाहता हूं कि कुछ दिन और रुकने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा एक न्यूज मिलेगा सिर्फ हम लोग के मतलब हम लोग के साथ जो क्लाइंट है उनके लिए ये न्यूज़ है क्योंकि वो उनको मतलब एडवांस स्ट्रैटेजी जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी आप लोग ले लिए है तो बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो स्ट्रैटेजी मैं सिखाया हूँ वो कहीं ना कहीं बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल है खास करके मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट लेवल भी नहीं है बिगनर टू एडवांस बिगनर लेवल है वो ठीक है अभी अगर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल आएगा मतलब सोचिए अगर बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लग भी रहा था या फिर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था तो अभी के स्ट्रैटी में है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल एडवांस लेवल का जो स्ट्रेटेजी आएगा ये स्ट्रैटेजी उनको ही मिलेगा जो हमारे क्लाइंट है एग्जिस्टिंग क्लाइंट आप अगर एलिस ब्लू का क्लाइंट है जरूर आपको वो स्ट्रेटजी मिलेगा ठीक है फिर सिर्फ इतना आपको मेल करना है मेल टोल फ्री नंबर में या फिर आप uh, अगर वहां पर जाते हैं हमारे साइट पर जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ साइट एलिस ब्लू के साइट अगर जाते हैं तो यहां पे कनेक्ट अर्स करके नीचे में आएगा तो यहां पे मेल आईडी दिया रहेगा वहां पे जाके आप मेल मेल डाउन कर सकते हैं ठीक है मैं आपको मेंशन कर दूंगा मेल आईडी वहां पर आप मेल कर देना ठीक है वहां पे आप मेल कर देंगे आपका क्लाइंट कोड चाहिए क्लाइंट कोड मेल कर दीजिएगा फिर वो ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे उस ग्रुप में क्या होने वाला है वो मैं बताना चाहता हूं हालांकि तीस सेकंड लगेगा वो ग्रुप में आपको ऑन मार्केट रिसर्च कॉल मिलेगा ठीक है फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग आपको कॉल जो मिल रहा है वो कॉल मैं दे दूंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे आप ट्रेड भले ले लेंगे प्रॉफिट कमा लेंगे या फिर लॉस कमा लेंगे कुछ भी हो आप सीख नहीं पाएंगे तो वो जो कॉल आएगा उस कॉल में बताएंगे हम लोग क्या देख के हम लोग वो कॉल आपको पुष्ट किया है ठीक है थर्ड चीज सोचिए आज मॉनिटरी पॉलिसी है या फिर कोई भी एफ डी आई के रिपोर्ट कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आने वाला है फॉरन का कुछ अच्छा रिपोर्ट्स आने वाला है या फिर क्रूड ऑयल में इन्वेंट्री आने वाला नेचुरल गैस में इन्वेंट्री आने वाला तो हम लोग की तरफ से आपको एक घंटा पहले सूचित कर दिया जाएगा उसका इफेक्ट क्या आने वाला है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स पहले हम लोग को आप लोगों को बता देंगे हम लोग का जियोडिक्शन हम लोग का जस्टिफिकेशन क्या कहता है मतलब क्या होने वाला है ठीक है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो सेवा नहीं मिल रहा था मतलब आप लोग वो सेवा खरीदने जा रहे थे या फिर कोई भी आई से खरीद रहे थे आर ए से खरीद रहे थे वो आपको फ्री में मिलेगा यहां पर अगर आप क्लाइंट है एलिस ब्लू का तो अब बात करते जो क्लाइंट नहीं है अब जो क्लाइंट नहीं है एलिस एस ब्लू का वो दिए गए नीचे लिंक है लिंक दिया गया है उससे आप अपना अकाउंट खोलिए जैसे आप अकाउंट खोल लेंगे आप अपना मेल आईडी डी टोल फ्री नंबर के नीचे मेल आईडी दिया रहेगा मेल आईडी में पुश कीजिएगा कि मेरे को वो ग्रुप में ऐड कर दीजिए ताकि मेरे को भी वो फुल सर्विस मिल पाए ठीक है आपको भी वो सर्विस मिलना स्टार्ट हो जाएगा और अकाउंट खोलना इज वेरी इजी मैं प्रोसेस भी बता दूंगा आपको आ, आप अगर सिंगल क्लिक करेंगे वहां पे वहां सिंगल क्लिक करके फोटो वगैरह से अपलोड करना पड़ता है मैं उसका वीडियो भी दे दूंगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना आप अगर गूगल में भी जाते हैं तो हाउ टू ओपन अकाउंट इन एनालिस ब्लू अगर टाइप करते हैं तो वीडियो आ जाएगा हमारा आपको बता देंगे या फिर आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है मानिए आप थर्टी फोर्टी ईयर्स के ऊपर आपको कुछ दिक्कत आ रहा फेस हो रहा दिक्कत तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर में भी कॉल कर देंगे तो आपको पूरा सहायता मिल जाएगा ठीक है तो चलिए देर नहीं करते सबसे पहले जाते हैं आज के जरूरक्शन जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में आज देखते हैं निफ्टी में स्टॉक सिलेक्शन करने का तर मतलब कैसे बताए थे मैं वो आपको दिखा देता हूं सबसे पहले मैं बताया था हम ध्यान से सुनिएगा ठीक है अगर कुछ काम कर रहे हैं तो अभी ये वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए बाद में आइए आके अच्छे से देख लीजिए क्योंकि अच्छे से देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर अच्छे से ट्रेड ले पाइएगा ठीक है अगर अच्छे से नहीं देखिए देखिएगा इस वीडियो को तो ट्रेड में गलती होगा और गलती का मतलब स्टॉक मार्केट में आप पैसा लूज करेंगे ये आपको मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ गलती की तो माफ कर दिया ये सीधा पैसा लेता है ठीक है तो अगर प, अगर आपके पास समय है तो देखिए अगर आपके पास समय नहीं है तो रात में या फिर कल जब भी आपके पास समय होगा ये वीडियो देख लीजिएगा जरूर ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बोला था अगर आप इंटराडे स्ट्रैटेजी में आते हैं अगर आपको इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट आपको देखना है मार्केट फाइव मिनट में नाइन फिफ्टीन से लेकर नाइन सेवनटीन या फिर नाइन एटीन में थोड़ा क्विक होना पड़ेगा आपको क्विक क्योंकि मार्केट किसी के लिए रुकता नहीं है बहुत स्पीड भागता है नाइन फिफ्टीन से लेकर नाइन सेवनटीन तक देखिए मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव अब सोचिए सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव एक काम कीजिए साइड में देखिए ये मैं सेक्टर्स बहुत सारा नोट डाउन करके रखा हूं आप लोगों के लिए ये जितना भी सेक्टर्स है ना ये आपके पास एंट वेब या एंट मॉबी ऐप होगा आपके पास ठीक है उसके फर्स्ट वॉचलिस्ट में सारा सेक्टर को ऐड कर दीजिए एंट के ऐप है अगर आपके पास एंट मॉबी अगर है हमारा जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो अगर मोबाइल वर्जन है आपके पास तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोग अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बोलिए मैं उसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा कि अगर आपके पास एंट मोबी है मतलब आप अगर हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग जल्दी ठीक है तो आप ये जितना भी ये जितना भी आप सेक्टर्स है ना वो एक फर्स्ट वॉच लिस्ट में एड कर दीजिए उसके बाद देखिए मार्केट का कलर क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है सबसे पहले तो देखिए एग्जेक्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है बढ़ोतरी है कि नीचे खुल रहा है आप अगर देखें नहीं फिफ्टी पॉइंट ऊपर खुल रहा है निफ्टी देन आइए मार्केट जैसे खुला नाइन फिफ्टीन टू नाइन सिक्स देखिए मार्केट के चाल क्या है ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा ज्यादातर सेक्टर अप है कि डाउन है ये आप पहले देखिए ठीक है अगर सोचिए अप है तो अप में सबसे पहला सेक्टर कौन है जो पुश कर रहा मार्केट को ठीक है सोचिए पुश कर रहा आज के मार्केट में एफएमसीजी बहुत अच्छा पुश कर रहा था तो जो एफएमसीजी पुश कर रहा है उसमें कौन सा स्टॉक है जो टॉप गेनर एनएससी में जो टॉप गेनर आता है पर टाटा स्टील टॉप गेनर में आ रहा है मतलब सेक्टर में एफ है पर कहीं ना कहीं टाटा स्टील सबसे ऊपर आ रहा है तो आपको टाटा स्टील में ट्रेड नहीं करना है सेक्टर पहले देख ली पहले क्या हम लोग देखें मार्केट मार्केट अप है कि डाउन है मार्केट अप है फिर हम लोग देखिए कौन सा सेक्टर मतलब ज्यादातर सेक्टर अप है कि डाउन है अब फिर देखिए ज्यादातर सेक्टर अप है फिर उसमें से कौन सा सेक्टर है जो सबसे ऊपर है फिर हम लोग देखें कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर है उसके बाद हम लोग टॉप गेनर में आएंगे टॉप लूजर आपको देखना नहीं है क्योंकि मार्केट हम लोग ऊपर में कॉल ऑप्शन लेंगे या फिर बाई करना है ठीक है क्योंकि मार्केट ऊपर है उसके बाद आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको एफ सेक्टर में आई या नेस्ले या फिर गोदरेज कंज्यूमर कहीं ना कहीं ऊपर में है ठीक है अगर आप जहां देख लिए कि ये स्टॉक ऊपर में है उसमें आपको क्या देखना है मतलब सो जी कितना स्क्रूटनेस करने के बाद आपको वो स्ट्रेटेजी मिल रहा है मतलब पहले हम लोग देखें निफ्टी फिर देखें हम लोग सेक्टर फिर हम लोग देखें वो सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है मतलब पुश कर रहा मार्केट को उसके बाद हम लोग कहां गए स्टॉक में अब स्टॉक में जाने के बाद भी आपको कॉल ऑप्शन बाई नहीं करना है सबसे पहले देखना नाइन ध्यान से देखिए प्लीज ध्यान से देखिए नाइन से लेके नाइन एटीन तक देखिए कौन सा स्टॉक ऊपर है हो गया आप सोचिए आपके पास गोदरेज कंज्यूमर जो स्टॉक है वो सबसे ऊपर है, ठीक है अब देखिए उसका जो फाइव मिनट का कैंडल बन रहा है 918, 919 तक आपको तुरंत वो वॉच लिस्ट में ऐड कर देना सेकंड वॉचलिस्ट खोलना है एंड मॉबी में उसको सेकंड वॉचलिस्ट में ऐड कर देना गोदरेज कंज्यूमर नेस्ले और आईटीसी ये तीन बढ़ोतरी बना रहा है ठीक है मान लीजिए सेक्टर में एफएमसीजी है उसके बाद प्राइवेट बैंक है तो बैंक में कौन सा स्टॉक सेकंड पोजीशन में आ रहा है सोचिए बैंक तो वो दोनों को ऐड कर लेना है वो दोनों को देखना है कि 915 से 918 19 तक क्या वो 1 ब्रेक किया है या ब्रेक नहीं किया अगर ब्रेक किया तुरंत वो स्टॉक छोड़ दीजिए आप क्यों छोड़ दीजिए अब बात आता है क्यों छोड़ दीजिए मानिए वो पहला फाइव मिनट का कैंडल में अगर कम से कम एक परसेंट से ऊपर दो परसेंट दे दे रहा है तो उसका संभावना क्योंकि ये जो हम लोग छह महीना तक टेस्ट करके आया है उसका दे देता है आपको तो वो और कितना भागेगा उस दिन ऐसे ही वो दो परसेंट भाग गया है या तो कंसोलिडेट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा अब आपका स्टॉप लॉस अगर लगा तो दो परसेंट सोच लीजिए आपका पॉकेट कितना खाली कर देगा ठीक है इसीलिए सबसे पहले क्या देखना है परसेंटेज कितना है कैंडल का अगर एक पर्सन से नीचे है हम लोग को क्या करना है अगर वो स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है बाई कर लीजिए ऑप्शन में कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए कॉल में एट द मनी इन द मनी आपको आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करना है अगर पैसा नहीं है आप कैश में बाई कीजिए कैश में स्पॉट में बाई कीजिए बाई करके इंट्राडे कीजिए पर आपको आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, सेफ खेलना है आपको ठीक है एट द मनी भी दस पंद्रह बीस पच्चीस पॉइंट के नीचे होना चाहिए ठीक है, है? यह करना है उसके बाद आपको स्टॉप लॉस रखना है वो कैंडल का सोचिए वो कैंडल का 860 स्टॉप लॉस आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो रखिएगा एट या फिर 50 पैसा नीचे रख दीजिएगा ठीक है और हम लोग का पहला टारगेट क्या रहेगा मैं बोला था एक परसेंट उसके बाद सेकेंड टारगेट रहेगा वन मतलब स्टॉक लेने के बाद ही सबसे पहले वन में फिफ्टी मेरे को स्टॉक में एग्जीक्यूशन लेना है

तो ये देख लीजिएगा चलिए फिर जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में जाते हैं जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में देखते हैं मंडे टेस्टिंग वन से लेके टेस्टिंग वन से लेके टेस्टिंग फोर मतलब चार दिन जो टेस्ट किए उसका रिजल्ट क्या है और रिजल्ट में फिर हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग जाएंगे एक्सेल में हम लोग निकाल के रखें तो मंडे आप अगर देखेंगे ये टेस्टिंग वन था फर्स्ट टेस्टिंग डे था दो स्टॉक निकला था दो स्टॉक में पहला स्टॉक निकला था आप अगर ये वीडियो सब नहीं देख, देखे टेस्टिंग वन टेस्टिंग टू टेस्टिंग थ्री टेस्टिंग फोर टेस्टिंग फाइव हम किए नहीं है क्योंकि तबियत खराब हो गया था टेस्टिंग फोर ये चार वीडियो अगर नहीं देखे तो अब भी जाइए प्लेलिस्ट में सबसे पहले स्ट्रेटेजी देखिए उसके बाद ये चार वीडियो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप देखिए अदरवाइज आप पोजिशन मत लीजिए मार्केट में क्योंकि लूज मत कीजिए मार्केट में पैसा ठीक है तो सबसे पहले ये जो दो स्टॉक था दो स्टॉक में जेएसडब्ल्यू एनर्जी और कमिंस इंडिया ये दोनों एक पर्सन के नीचे कैंडल बनाया था और आपको वन इज वन और वन इज थ्री फाइव इजीली मिल गया था ये दोनों स्टॉक में तो हम लोग का रिजल्ट हंड्रेड परसेंट हुआ अगर बोलता है तो हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आया दूसरा दिन दो स्टॉक मिला था वो था एक टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में जाके देखिए सेम यही दो स्टॉक थे ठीक है वो दोनों भी वन इज टू वन और वन इज टू थ्री फाइव आपको दिए मार्केट से लेके तीसरा दिन टेस्टिंग थ्री वेनेसडे को था एक स्टॉक मिला था वो था एनएचपीसी एनएचपीसी फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता है तो आप फ्यूचर बाय नहीं कर सकते थे और या कॉल ऑप्शन बाय नहीं करते थे पर स्पॉट में आप बाय कर सकते थे वो कहीं ना कहीं आपको वन वन इज टू थ्री फाइव परसेंट आपको लेके दिया है मार्केट से द लास्ट टेस्टिंग फोर में एक ही स्टॉक आया था वो था गोदरेज प्रॉपर्टी ठीक है गोदरेज प्रॉपर्टी इसलिए आया था क्योंकि रियालिटी सेक्टर ऊपर था गोदरेज प्रॉपर्टी आया था और वो आपको वन इज टू वन वन इज टू थ्री फाइव परसेंट लेके दिया मार्केट से तो एक्यूरेसी के हिसाब से हमारे पास ये आ रहा है हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी आ रहा है पर फिर भी फिर भी मैं आपको बोल देता हूं हंड्रेड परसेंट स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है थेके? आप कभी भी ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर रहे हैं ठीक है हम लोग का जो छह महीना का एक्यूरेसी रिपोर्ट आया था वो आया था नाइन्टी थ्री परसेंट पर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं हमेशा कोई भी ट्रेड इस स्ट्रेटेजी के ऊपर से लेते हैं बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी के ऊपर लेते हैं या फिर निफ्टी स्ट्रेटेजी के ऊपर से देख के अगर लेते हैं तो प्लीज जो हम लोग स्टॉप लॉस बोले हैं वो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अदरवाइज आप लूज करेंगे मनी भले एक दिन आप प्रॉफिट कमा लेंगे फिर आप बोलेंगे कि अरे सर तो बोल रहे थे स्टॉप लॉस मेंटेन करने देखो मैं मेंटेन नहीं किया तो मैं इतना पैसा कमाया हूं सर वैसे सिर्फ एक दिन या दो दिन होने वाला है तीसरा दिन आप बहुत जोरदार झटका खाइएगा मार्केट से प्लीज ऐसा मत कीजिए ठीक है तो हंड्रेड होता है हंड्रेड परसेंट ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में होता है कहीं ना कहीं नाइन्टी परसेंट नाइन्टी टू परसेंट एक्ूरेसी देता है पर हमेशा स्टॉप लॉस लगा के खेलिएगा डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा पैसा बनाता है मार्केट से याद रखिएगा ठीक है तो अब मैं कुछ दिन थोड़ा गैप लूंगा क्योंकि हम लोग एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं इन बिटवीन आपके पास अगर कुछ स्ट्रैटेजी है तो हमें हमें दीजिए वो स्ट्रैटेजी हम लोग टेस्ट करते हैं टेस्ट करने के बाद हमारा जितना भी टीम है वो स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के बाद उस स्ट्रेटेजी में जरूर वीडियो लेके आएंगे तो अगर आपको ये मुहिम मिशन आत्मनिर्भर अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक छोटा सा लाइक बनता है छोटा सा लाइक दे दीजिएगा कमेंट करके प्लीज बताइए कौन सा स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो लाना चाहिए आप जैसे बोलेंगे वो स्ट्रेटेजी आप जब से बोल रहे जब से मैं बैंक निफ्टी बना रहा हूं तब से आप निफ्टी बोले निफ्टी को पर गया। के ऊपर स्ट्रेटेजी आएगी स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर स्ट्रैटेजी आएगी अभी आप जो बोलेंगे उसके ऊपर जरूर मैं वीडियो लेके आऊंगा ठीक है <laughs> अगर मिशन आत्मनिर्भर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ये एल एस बी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारे अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए तो चलिए फिर मिलते हैं नए स्ट्रेटेजी वीडियो के ठीक है तब तक आप स्वस्थ रहिए ध्यान से ट्रेड लीजिए स्टॉप लॉस मेंटेन करिए थैंक यू बाय बाय इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग